बिहार में दूसरा रजिस्टर हो गया, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये गाड़ी 6 महीने से खड़ी है। बहुत परेशान इस गाड़ी से। ये गाड़ी है भाई, ये इसका नंबर है और ये इस गाड़ी का ओनर है और ये गाड़ी को खड़ा हो गया 4 महीना, इसका रफड़ा है। दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट में जो आज स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बेहद पेचीदा है और आपको आंखें कान अपनी खोल कर रखनी पड़ेंगी अगर पूरी स्टोरी अच्छे से समझनी है तो। दो गाड़ियां हैं, दोनों का नंबर सेम है, चेसी नंबर सेम है, इंजन नंबर सेम है और देश के दो अलग अलग राज्यों के अंदर ये गाड़ियाँ चल रही हैं और अब यहाँ पर सिचुएशन आके खड़ी हो गई है कि दोनों ही गाड़ियाँ चल नहीं पा रही हैं क्योंकि एक गाड़ी तो पुलिस थाने में खड़ी है और दूसरी गाड़ी का ना तो नेशनल परमिट बन रहा है और ना ही फिटनेस बन रही है क्योंकि जो ऑनलाइन डेटा चढ़ा है वाहन के सॉफ्टवेयर में वहाँ पर दो गाड़ियों का एक ही डिटेल आ रही है। इस वजह से दोनों ही गाड़ियाँ आज की डेट में चल नहीं पा रही और दोनों ही जो गाड़ी मालिक है वो बेहद परेशान है। ऐसी नौबत क्यों आई, कैसे एक ही नंबर जो है गाड़ी का, चेसी का, इंजन का, वो दो अलग अलग गाड़ियों पर लग गया, इसके अंदर एक बहुत ही पेचीदा सी कहानी है। पूरी कहानी आप सुनिएगा, समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे सारा काम हुआ और आपके लिए ज़रूरी इसलिए कि आप भी एज अ गाड़ी मालिक, ड्राइवर, गाड़ियाँ खरीदते हैं, बेचते हैं तो और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि ये गाड़ी खरीदने के चक्कर में ही गलती हुई है बहुत बड़ी जिसका अब खमियाजा जो है गाड़ी मालिकों को भरना पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी मालिक का नाम है जहीर खान, हरियाणा के पलवल के रहने वाले हैं। इन्होंने एक गाड़ी खरीदी, 2015 मॉडल कार कंटेनर है, कार कैरियर बोल देते हैं हम। इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नागालैंड का नंबर है 2560। तो ये गाड़ी इन्होंने कब खरीदी, ये गाड़ी इन्होंने पिछले साल 20 सितंबर 2021 को खरीदी 10 लाख रुपए में। गाड़ी के लिए लोन लेने गए थे टाटा फाइनेंस में और जब वहाँ अप्रोच करा तो फाइनेंस वाले फाइनेंस देने के लिए तैयार थे लेकिन उन्होंने जब डॉक्यूमेंट भेजे आरटीओ को हाइपोथिकेशन ऊपर चढ़ाने के लिए आरसी पे तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चेसी नंबर, ये इंजन नंबर तो एक बिहार की गाड़ी है, बिहार नंबर की गाड़ी है, उसके ऊपर लगा हुआ है तो हम ये हाइपोथिकेशन नहीं चढ़ा सकते, कोई गड़बड़ है। तो उस समय जहीर के पास पैसे थे, उसने बोला कि छोड़ो, कौन झंझट में पड़ेगा, मैं फाइनेंस करवाता ही नहीं और मैं कैश में पूरी डील कर लेता हूँ। तो कैश में डील करी, गाड़ी चलाते रहे लेकिन गलती हो गई कि इग्नोर कर दिया वो प्रॉब्लम कि ऐसे कैसे मेरी गाड़ी का इंजन नंबर, चेसी नंबर किसी और गाड़ी में भी दिख रहा है। तो इन्होंने परवाह नहीं करी और गाड़ी चलाते रहे। तो ध्यान कब दिया, जब इस साल 2022 में अक्टूबर के आसपास इनका जो नेशनल परमिट है वो एक्सपायर हो गया और फिटनेस भी एक्सपायर हो गई। तो जब वो फिटनेस करवाने के लिए और नेशनल परमिट करवाने, रिन्यू कराने के लिए गया तो आरटीओ ने बोला कि ये, फिर वही चीज़ दोबारा बोली कि ये इंजन नंबर, चेसी नंबर तो किसी और बिहार का गाड़ी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वो तो इस गाड़ी का है, तुम्हारी गाड़ी पर हम नेशनल परमिट फिटनेस कैसे दे दें, ये तो कोई गड़बड़ है। तो तब जब तक ये सही नहीं होता हम आपको ना तो नेशनल परमिट दे सकते हैं और ना ही फिटनेस कर सकते हैं। उस चक्कर में गाड़ी अब घर पे खड़ी। 5 अक्टूबर को ये गाड़ी मेरे नाम चढ़ी है, मेरा नाम जहीर खान है और सर ये इसके परमिट है दोनों, सालाना परमिट है इसके दोनों और ये सारे इसके ओरिजिनल पेपर है, ये इसकी फिटनेस हो गई, ये टाटा का इंश्योरेंस है इसका। 1 महीना पहले मैंने इस गाड़ी को मलिक लॉजिस्टिक से खरीदा और ये इसका इंजन नंबर है जी और इस गाड़ी का बिहार में दूसरा रजिस्टर हो गया, चेसिस नंबर, इंजन नंबर से दूसरा गाड़ी रजिस्टर्ड हो गया है। ये गाड़ी 6 महीने से खड़ी है और मैं बहुत परेशान हूँ इस गाड़ी से और इसमें फर्जीवाड़ा हो गया जी। इसके बाद इन्होंने सोचा कि ये तो मसला सुलझाना ही पड़ेगा, नहीं तो कब तक मैं गाड़ी ऐसे खड़ी रखूँगा। तो इनका एक दोस्त किसी GPS कंपनी में जॉब करता है और बाय चांस जब उससे पूछा कि क्या तुम इस गाड़ी का चेक कर सकते हो कि इस नंबर की गाड़ी में भी तुम्हारी
कंपनी का जीपीएस लगा है या नहीं। तो उसने कहा कि हाँ, हमारी कंपनी का ही जीपीएस लगा है और मैं इसकी लोकेशन तुम्हें बता सकता हूँ। तो जब लोकेशन देखी तो वो अगम कुआं पटना बिहार की आ रही थी, उस बिहार नंबर की गाड़ी की। क्योंकि अब जहीर खान को लगा कि उस बंदे तक पहुंचना पड़ेगा कि भाई तेरी गाड़ी पर सेम चेसी नंबर इंजन नंबर कैसे आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम दोनों को आएगी कल को। तो अब यहां से जहीर खान पहुंचता, हरियाणा से पहुंचता है अगम कुआ बिहार में। उसकी लोकेशन वो ट्रैक करता रहता है और वहां पर जब जाके उससे बातचीत करता है, पूरी कहानी बताता है, पुलिस को अप्रोच करता है, तो पुलिस कहती है कि आप आरटीओ के पास जाओ, ये आरटीओ का मसला है। अब जो आरटीओ इसमें पड़ता है गोपालगंज, एसडीएम गोपालगंज। तो जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने भेजा सीधा आरटीओ के पास कि ये तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गड़बड़ लग रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो वहां पर गोपालगंज आरटीओ में पहुंचता है, क्योंकि जो बिहार BR28 ये गोपालगंज का नंबर है। तो जब आरटीओ के सामने पहुंचते हैं, और तब तक जहीर खान पुलिस को साथ लेकर ये जो बिहार नंबर की गाड़ी है इसको भी थाने में खड़ी करवा देता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी कोई गड़बड़ है, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आपकी ये गाड़ी फर्जी नंबर लगा के घूम रही है, इसको पकड़ो और मेरा ये मसला ठीक कराओ। तो अब उस गाड़ी का मालिक ये खुद जहीर खान और आरटीओ, ये सब लोग बैठे हैं, समझ लीजिए। तो अब जब उनके सामने ये केस रखा जाता है तो बात क्या निकल के आती है, सारे हैरान परेशान हो जाते हैं। हुआ ये कि जब इस बंदे से पूछा कि भाई तूने ये गाड़ी कब ली, तो उसने क्या बताया कि मैंने तो ये गाड़ी 2021 में ही जुलाई में एक नीलामी में खरीदी है। नीलामी किस चीज़ की थी कि बिहार के अंदर है शराबबंदी, और जो भी गाड़ियां वहां पर कोई शराब ले जाती पकड़ी जाती है तो उस गाड़ी को ये पकड़कर नीलाम कर देते हैं। तो वहां पर ये अच्छी खासी गाड़ी थी 8-10 लाख रुपए की, सिर्फ 2,15,000 रुपए में इस बंदे को ये गाड़ी मिल जाती है। इस बंदे का नाम है गुलजार खान, पहली गाड़ी का मालिक है जहीर खान, बिहार वाली गाड़ी का मालिक है गुलजार खान। तो जब गुलजार खान ने 2,15,000 रुपए में ये गाड़ी खरीद ली, तब बहुत खुश होंगे कि बहुत सस्ती मुझे गाड़ी मिल गई। लेकिन अब ये पेचीदगी फंस गई है, तो किसी को पहले बात समझ में ना आए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि असल में हुआ क्या है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो दोस्तों हुआ ये कि कुछ तस्कर लोग थे और उनके पास एक ट्रक था जिसका काम वो शराब बिहार के अंदर इल्लीगल तरीके से स्मगल करने के लिए करते थे। लेकिन उन्होंने उस ट्रक का नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर चेंज किया, लेकिन ऐसे ही नहीं किया कि कुछ भी नंबर लगा दिया जो मन में आया और कुछ भी चेसी इंजन नंबर लगा दिया, नहीं। उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी नागालैंड नंबर की और उसकी आरसी वगैरह उनके पास होगी किसी तरीके से, तो उसकी एग्जैक्ट डिटेल उन्होंने छाप दी, वही नंबर, वही इंजन नंबर, वही चेसी नंबर उस ट्रक के ऊपर लगा दिया। उसके बाद उन्होंने ये काम जो तस्करी वाला करना शुरू कर दिया। अब वो जो नंबर उन्होंने जो आरसी ली और वो जो नंबर, तीनों चीज़ें जो कॉपी करी वो इस ट्रक की थी जो जहीर खान अपनी गाड़ी ले अब जो खड़ी करके घर में इधर उधर भटक रहे हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, ये इनकी गाड़ी का सारी डिटेल उन्होंने उस ट्रक के ऊपर छाप के बिहार के अंदर शराब की ढोआढ़ोई शुरू कर दी। इनको तो कुछ अभी पता ही नहीं, इन्होंने तो अभी इस ट्रक को खरीदा भी शायद उस टाइम नहीं था। तो वो गाड़ी पकड़ी जाती है नकली नंबर, नकली चेसी नंबर, नकली इंजन नंबर से वो गाड़ी पकड़ी गई। उसके बाद वो नीलाम हो गई। नीलाम होने के बाद गोपालगंज जो आरटीओ था वहाँ पर उन्होंने ये तो चेक नहीं करा कि ये जो गाड़ी का नंबर वगैरह ये सब असली है या नहीं, सीधा उसे उठाकर ट्रांसफ़र कर दिया बिहार के रहने वाले जो गुलजार खान है उसके नाम पर, जिसने वो नीलामी में खरीदी थी उसके नाम पर कर दी, और गाड़ी का नंबर बदल गया, लेकिन चेसी नंबर, इंजन नंबर तो वही रहा जो फर्जी पहले लगा हुआ था। यहाँ पर जाके सारी गड़बड़ हो गई। अब जिसने वो गाड़ी नीलामी में खरीदी गुलजार ने, उसको तो पता नहीं क्या हुआ, आरटीओ को भी कुछ ध्यान नहीं दिया, जो भी उन्होंने प्रोसीजर पीछे से फॉलो नहीं करा, वाहन खोल के नहीं देखा और गाड़ी की सीधी आरसी बना के उसको थमा दी, वो खुश है कि मुझे गाड़ी मिल गई सस्ते में। अब यहाँ पर फंस गया ये जो बंदा है ओरिजिनल, जिसकी गाड़ी है जहीर हरियाणा वाला, ये फंस गया बंदा। अब ये कहानी वहाँ पर जब सामने निकल कर आई तो सारे जो आरटीओ स्टाफ था वो एक दूसरे का मुंह ताकते रहे कि ये हम लोगों ने क्या कर दिया। समझ तो वो गए कि हमारी गलती की वजह से ये सब लोग अब फंस गए और खुद भी फंस गए। तो अब वहाँ पर लिखित में कम से कम चलो उन्होंने मान ली ये बात कि गलती हुई है, तो अब उन्होंने लिखित में जहीर से ये एक एप्लीकेशन ले ली है कि मेरा ये सारा रिकॉर्ड ठीक करके दो। अब वो ठीक कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि अभी ताज़ा ही ये वाक्या है, इतनी जल्दी तो क्या होना था। तो अभी जो जहीर बेचारा नागालैंड भी जा रहा है, नागालैंड कोहिमा जाके वहाँ भी आरटीओ में बात करने वाला है, तो दर दर भटक रहा है, पैसे तो खर्चा हो ही रहे हैं, अपनी गाड़ी भी घर पे खड़ी हुई है। अब इसमें होगा ये
कि जो गोपालगंज वाला आरटीओ है वो पहले तो वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेंगे जो उन्होंने बिहार नंबर चढ़ा के वो गुलजार को दे दी आरसी जिसने खरीदी थी नीलामी में, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी कैंसिल। फिर इसका अपने आप जो रिकॉर्ड है वो वाहन पे दिखने शुरू होना चाहिए अपने आप, जब वो कैंसिल हो जाएगी तो इसका रिकॉर्ड शायद वहाँ पर आ जाए, उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कैसे करेंगे, तब जाकर इसकी गाड़ी जहीर की चलती होगी। तो एक गाड़ी मालिक का तो फिर जाके ये काम होगा, लेकिन दूसरे का जो गुलजार ने नीलामी में खरीदी उसका मसला ज़्यादा उलझा हुआ है। अब उसकी ये रजिस्ट्रेशन तो मान लो कैंसिल हो गई, तो नई रजिस्ट्रेशन वो कैसे करेंगे, क्योंकि पुरानी उसकी ओरिजिनल नंबर क्या है वो गाड़ी का वो तो किसी को पता ही नहीं। वो तो तस्करों को पता है कि उस गाड़ी का ओरिजिनल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर है क्या जिसको उन्होंने बदला। अब जहाँ तो उन तस्करों को जाके पूछताछ हो, तो ये बहुत ही मामला उलझ गया है। पहले तो जहीर का मसला सॉल्व होगा और गुलजार का मसला, उसको अलग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और किस तरीके से अब ये गोपालगंज आरटीओ इसको ठीक करने वाला है भगवान ही जाने, और ये आरटीओ वाले जाने। लेकिन उनकी ये गलती की वजह से आप देखिए कि दो गाड़ी मालिक जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि देश में ना ये एक सिस्टम नहीं बना हुआ, अगर तो नागरिक कोई गलती कर दे उसको तो टांगने के लिए हज़ार कानून है, लेकिन अगर अथॉरिटीज़ कोई गलती कर दे कोई कॉम्पनसेशन नहीं है और आपको ही धक्के खाने हैं इधर से उधर। अभी भी अगर वो फॉलोअप करते रहेंगे तो केस का कुछ होगा, हो सकता है कुछ ना हो। तो ये सिस्टम कभी भी समझ में नहीं आया, मतलब वन साइडेड एक तरीके से सिस्टम हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जहीर लगे रहेंगे, फॉलोअप करेंगे, हम भी जितना हो सकेगा मदद करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो गलती हुई है गोपालगंज आरटीओ से इसको ठीक करेंगे, और वो रियल गाड़ी नंबर क्या था, कौन सी गाड़ी थी, उसका पता लगा के दोनों गाड़ी मालिकों को सेटिस्फाई करें। आपकी क्या टिप्पणी है दोस्तों इस खबर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे केस आपके पास भी होंगे जहाँ पर इस तरीके से जो है सरकारी गलतियों की वजह से जो है गाड़ी मालिक, ड्राइवर, सभी लोग जो है परेशान हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी का दोस्तों अगर आपको काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।